सोचा आपको एक अपडेट दूं। डिटेंशन के बाद जब तीसरे दिन हमने अपना अनशन तोड़ा राजघाट पर, तो ये इस आश्वासन पर था सरकार की तरफ से कि वो अगले दो दिनों में हमारे देश के शीर्ष नेताओं से पदयात्रियों के मिलने का एक तिथि देंगे, डेट देंगे। और इसी आश्वासन पर हमने जो 3 तारीख को जंतर मंतर पर जनसभा रखा था उसे भी स्थगित कर दिया। तो अगले दो दिन यानी कि कल शाम तक हम इंतज़ार करते रहे, और जब कल शाम तक कुछ नहीं आया तो बदकिस्मती से हमें अपना अनशन दोबारा शुरू करना पड़ रहा था। और आज दिन भर हमारे साथी अनशन करने के लिए एक जगह ढूंढने में भटकते रहे दिल्ली के सड़कों पर। वैसे सरकार द्वारा निर्देशित जगह जहां पर लोग अपनी शिकायतें सुना सकते हैं, धरने कर सकते हैं, वो है जंतर मंतर। मगर हमें बताया गया कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 10 बजे से 5 बजे तक ही कर सकते हैं। और फिर पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में दफ़ा 144 लगा हुआ है, जिसे अभी 163 कहते हैं, और परमानेंटली लगा है हमेशा के लिए। ये तो पहली बात, दुख की बात है कि सबसे बड़ी लोकतंत्र में, राजधानी में दफ़ा 144 या 163 लगा रहता है हमेशा के लिए। तो हम ढूंढते रहे ऐसे में ऐसी जगह जहां हम अनशन कर सकें, तो अभी तक हमें नहीं मिला है। दुखी हैं, मगर फिर भी याद आता है गालिब की एक शायर, जिसमें वो कहते हैं, शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। तो अब हम कहेंगे, अनशन करने दे जंतर मंतर पे बैठ कर या वो जगह बता जहां दफा ना हो। फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह का, बहुत दुख के साथ, और चाहते हैं कि आप सब भी चर्चा करें, इस लोकतंत्र में ऐसी कोई जगह क्यों नहीं है जहां पर शांति से बैठकर लोग अपने मन की व्यथा सुना सकें। आपको कोई ऐसी जगह मालूम हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, हमें सजेशंस दीजिएगा। हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा निर्देशित जगहों पे पहले कोशिश करें, इससे पहले कि हम किसी और की जगह लें। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।